स्वागत है आपका एसपी क्रिकेट इन्फो में। एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं मैं ट्रिक एंड ट्रिक्स का। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल क्रिकेट 20 के अंदर शॉर्ट पिच बॉल्स को आप किस तरह से खेल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसमें शॉट लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे उसकी सहायता से आप आराम से चारों तरह के जो बैट्समैन है, रेडिकल हुआ या बैलेंस ब्रूटे और डिफेंसिव, चारों तरह के बैट्समैन से आप आसानी से शॉट खेल सकते हैं। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी जो पहले ट्रिक है मैं समझा देता हूं आपको। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जॉयस्टिक को बिल्कुल लेग साइड में पीछे की ओर लेके जाना है और बैक फुट जो बैक साइड होती है लेग साइड उधर कर देना है। जब आप पीछे की ओर करेंगे तो शॉट जाएगा बिल्कुल पीछे की ओर, और जब आप बिल्कुल जो लेग साइड में जो बीच में कर देंगे जॉयस्टिक को तो उसके बाद में आपका शॉट जाएगा हाफ जो लेग साइड होता है या फिर कहें मिड ऑन का जो रीजन होता है उस साइड में शॉट जाएगा। दोनों ही तरह के शॉट जो भी शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ लगाए जाते हैं लेग साइड में आती है, तो वो आपको किस तरह से खेलने में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेडिकल बैट्समैन सुरेश रैना से। रेडिकल बैट्समैन के तौर पर है सुरेश रैना हमारे साथ। तो सुरेश रैना जब ये शॉट खेलते हैं तो नजर आता है कि बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग का उपयोग करते हैं, और जो टाइमिंग की सहायता से जो कि पूरा जो हाफ पिच से गेंद को उठाकर खेला हुआ शॉट है और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। और जहां तक मुझे पता है और आपने भी जब ये खेला होगा तो महसूस किया होगा, रेडिकल बैट्समैन हर शॉट को काफी परफेक्टली खेलते हैं, तो सुरेश रैना के द्वारा खेला गया शॉट काफी अच्छा नजर आता है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं बैलेंस बैट्समैन के तौर पर मैंने लिया है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर खेलते हैं किस तरह से इस शॉट को और किस तरह से बटोर पाते हैं रन, इसको देखते हैं। गौतम गंभीर ने शॉट खेला है और शॉट गया है बिल्कुल लेग साइड की ओर पीछे की ओर, दोनों ही तरह के शॉट में उनमें परफेक्शन नजर आता है। जब लेग साइड वाला शॉट खेलते हैं पुल करते हैं तो पुल करते हुए उन्हें 6 रन आसानी से मिल जाते हैं, और यहाँ पर बल्ले और गेंद का बिल्कुल अच्छा टाइमिंग होती है और कलाइयों का बेहतरीन उपयोग के सहारे यहाँ पर मिल जाते हैं 6 रन। और जब पीछे की ओर खेलते हैं तो थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं और इस पुल शॉट में भी 6 रन तो मिल जाता है, पर इसमें थोड़ा शरीर घूम जाता है, तो बैलेंस्ड बैट्समैन का शॉट रेडिकल बैट्समैन से काफी कुछ मिलता हुआ नजर आता है। वहीं बात करते हैं अब ब्रूट बैट्समैन पर लिया है हमने ओल्ड इज गोल्ड बैट्समैन हमारे यूसुफ पठान का। यूसुफ पठान काफी बेहतरीन बल्लेबाज थे आप जानते थे, और किस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे उसी को बरकरार रखा है रियल क्रिकेट 20 ने। गेम के अंदर भी वह काफी अच्छे तरीके से ब्रूट तरीके से जो बैटिंग की जाती है जो कि उनका अंदाज है उस तरह से भी खेलते हैं, और जब इनका शॉट का भी अपन ट्रायल कर लेते हैं जब यूसुफ पठान शॉट खेलते हैं तो बिल्कुल जाती है गेंद, टाइमिंग तो होती है जो होती है, टाइमिंग के साथ में ताकत का भरपूर प्रदर्शन देखने को मिलता है और इसी के सारे गेंद चली जाती है सीधा स्टैंड इन डिलीवर्स, तो यहाँ 6 रन मिल जाते हैं। और जब पीछे की ओर वाला शॉट खेलते हैं तो इसके अंदर भी यूसुफ पठान को 6 रन आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि ब्रूट बैट्समैन भी सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर अपने अभी तक जो 3 बैट्समैन देखे हैं तीनों ही बैट्समैन का शॉट अभी काफी अच्छा लगा है और तीनों ही सक्सेसफुल नजर आते हैं और तीनों ही शॉर्ट पिच गेंदों में खेलने में बढ़िया तरीके से कारगर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंसिव बैट्समैन की। डिफेंसिव बैट्समैन के तौर पर मैंने लिया है लीजेंडरी बैट्समैन द सुनील गावस्कर का। तो सुनील गावस्कर सर जब ये शॉट खेलते हैं तो उनका शॉट बिल्कुल जो डिफेंसिव बैट्समैन की प्रमुख हथियार होती है वह है टेक्निक, तो टेक्निक से खेला गया ये शॉट है। इस शॉट को खेलने के लिए जब बल्लेबाज घूमता है तो जब लेग साइड में पीछे की ओर खेलता है तो पूरी तरह से टर्न हो जाता है और पूरी तरह से जैसा अपन कह सकते हैं सीधी भाषा में गेंद के ऊपर चढ़कर मारता है। और वहीं जब बात करते हैं जब वो थोड़ा सा जब वो पुल शॉट खेलता है लेग साइड वाला शॉट खेलता है तो बल्ला बिल्कुल थोड़ा सीधा रहता है और गेंद पर पूरी तरह से आते हुए पर थोड़ा सा दूर रहते हुए शॉट मारते हैं, तो डिफेंसिव बैट्समैन का अंदाज थोड़ा इन तीनों से अलग नजर आता है। पर डिफेंसिव बैट्समैन वैसे भी पुल शॉट खेलने के लिए जाने नहीं जाते हैं, तो डिफेंसिव बैट्समैन को आप थोड़ा दरकिनार करिए। वहीं अगर आप खेलना चाहते हैं पुल शॉट तो इसके लिए रेडिकल और बैलेंस बैट्समैन बेस्ट है, और ब्रूटे बैट्समैन भी चॉइस खराब नहीं है। जब अगर आप आक्रामक खेलना चाहते हैं तो ब्रूटे बैट्समैन बेस्ट चॉइस है। तो इन चारों तरह के बैट्समैन के द्वारा पुल शॉट कैसे खेला जाता है या फिर शॉर्ट पिच बॉल किस तरह से खेली जाती है यह मैंने आपको बता दी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कट किस तरह से खेले जाते हैं और कट शॉट की ट्रिक एंड टिप्स है तो वह आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी आपका सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं सभी कमेंट्स का लगभग जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।